नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल नम्रताज किचन में स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि आज हम क्या स्पेशल बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल बनाने जा रही हूँ भुने चने और मखाने की पंजीरी। फ्रेंड्स, ये पंजीरी जो होती है वो महिलाओं के सिर के दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और फ्रेंड्स, सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दुखन होना, ये तो महिलाओं की बहुत ही आम समस्या है, हम सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यही सोचकर एक वीडियो बनाना चाहा है। फ्रेंड्स, जो मैं पंजीरी बनाने जा रही हूँ वो सिर के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें भुने चने और मखाने का यूज़ किया है। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैं किस किस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ और कैसे बनाई जाती है मखाने भुने चने की पंजीरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भुना चना लिया है, 50 ग्राम मैंने मखाना लिया है, और यहाँ बादाम मैंने ये भी 50 ग्राम लिया है, छुआरा है ये भी 50 ग्राम है, और ये गोंद है ये भी 50 ग्राम ली है मैंने। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बूरा ली है, मैंने ये बूरा 400 ग्राम ली है। आप बूरा की जगह गुड़ की शक्कर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ 200 ग्राम ये घी है, ये गाय का देसी घी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन सभी सामान को रोस्ट करेंगे। इसको भूनने के बाद इसको हमें पीस लेना है ग्राइंडर में। फ्रेंड्स, ये गोंद है ये ऐसे नहीं पीसेगी, इसे हमें पहले घी के अंदर फ्राई करना होगा। फ्राई कर कर ये भुन जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, फिर ये आराम से पिस जाती है। और ये बादाम है, हमने बादाम को भी हल्का भूनना है और इसको भी पीसना है। और छुआरे, इसको हमें हल्का हल्का बारीक बारीक कट करना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है, मैं इसको गर्म कर रही हूँ। अब पहले मैं भुने चने और मखाने को इसमें थोड़ा भून लूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने भुना चना और मखाना दोनों को एक साथ ही भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दिया। हमें इसे लो फ्लेम पर गर्म करना है, भूनना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बादाम, सौंठ, अजवाइन को भी हल्का भून लिया है। अब मैं गोंद को भूनूंगी, वो भी घी के अंदर। फ्रेंड्स, मैंने एक चम्मच यहाँ घी डाला है ये, और मैं इसी में गोंद को फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा घी गर्म हो गया, मैं इसमें थोड़ी थोड़ी गोंद को डालूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी गोंद फ्राई होकर मोटी हो रही है, फूल रही है, और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके निकाला है, क्योंकि घी कम है इसलिए मैं दो बार में गोंद को निकालूंगी फ्राई करके। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने गोंद को फ्राई करके निकाल लिया है, और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये फूल भी गई है, और पीसने में ये बहुत आसानी से आराम से बारीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे जो ड्राई फ्रूट हैं वो सारे भुनकर तैयार हो गए हैं। अब मेरा काम है सिर्फ इनको पीसना। अब मैं इन सब चीज़ों को पीसने वाली हूँ, और पहले मैं मखाने और चने को पीसूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे सामान को पीस लिया है। ये देखिए, ये चने और मखाने का ये पाउडर है, और ये है मेरे पास बादाम, इसके अंदर अजवाइन, सौंठ भी मैंने पीसी थी, और फ्रेंड्स ये है गोंद का पाउडर, ये मैंने गोंद को भी पीस लिया है। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए। मैंने यहाँ बड़ी कढ़ाई ली है, क्योंकि इसका जो मिश्रण है वो अच्छे से मिल जाए, इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई का यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। फ्रेंड्स, मैंने 200 ग्राम घी लिया था, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं बीच में ही और घी डाल सकती हूँ, क्योंकि घी में ऐसी कोई महक नहीं आती है जिसे हमें पहले गर्म करना पड़े, इसलिए अगर हमें कम लगता है तो हम बाद में भी डाल लेंगे घी को। फ़िलहाल मैंने 200 ग्राम घी लिया है। हमारा घी गर्म हो रहा है, मैंने इस वक्त जो तेज़ फ्लेम पर इसको कढ़ाई को रखा है, अभी फ़िलहाल मैं तेज़ फ्लेम पर ही इसको करूँगी गर्म। फ्रेंड्स, हमारा घी पिघल चुका है, और ये हल्का येलो कलर में दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि ये गाय का घी है। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा सारा सामान भुना है, फिर भी मैं घी में सबसे पहले बादाम और ये जो गोंद है इसके पेस्ट को डालने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसको भूनूंगी। फ्रेंड्स, हमारा घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बादाम और गोंद का पाउडर डालूंगी। फ्रेंड्स, मैं दोनों को साथ ही डाल रही हूँ।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको डाल दिया है और मैं धीरे धीरे चला रही हूँ। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद मैं इसमें चने और मखाने का पाउडर भी डाल दूँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर लग रहा है, मैंने स्लो फ्लेम पर करा है इसको और ये पकने ही वाला है अच्छे से। जब इसमें हल्का सा और ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसमें चने और मखाने का पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स हमारा ये भुन चुका है, अब हम इसमें चने और मखाने भी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें इनको भी डाल दिया है। फ्रेंड्स मैंने सब कुछ डाल दिया है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बूरा। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बूरा को भी इसमें मिला दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊँगी क्योंकि इसमें थोड़ी डेली टाइप की हैं। फ्रेंड्स मैंने सारा सामान इस पंजीरी में ऐड कर दिया है, बस इसको थोड़ी देर हमें भूनना और है ताकि इसमें महक ना आए। और मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि अगर पानी का यूज़ होगा तो इसका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा और इसमें फफूंदी लगने का भी डर रहता है। बस फ्रेंड्स मैंने इसको घी में ही बनाया है। आप चाहें तो ज़्यादा घी डालकर इसमें लड्डू टाइप के बना सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घी चाहिए होगा और उसमें थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी लड्डू बन पाएंगे, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा दरदरा करा है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक आटे की तरह भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने दरदरा करा है क्योंकि मुझे पंजीरी बनानी थी। फ्रेंड्स हमें लगातार इसको चलाते रहना है और मीठा अपने हिसाब से डालना है और जहाँ पर ये डेली आ रही है इनको फोड़ देना है हमें। फ्रेंड्स मीठा थोड़ा ज़्यादा ही रखना है और एक बार चेक करके ज़रूर देख लेना है, मुझे मीठा कम लगा था इसलिए मैंने इसमें बूरा और डाल दी है। तो आप भी जब बनाएं तो मीठे को ज़रूर चेक करें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसको 10 मिनट लगातार स्लो फ्लेम पर चलाया था और हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, आज हमने बनाई थी भुने चने और मखाने की पंजीरी। और फ्रेंड्स ये पंजीरी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है स्पेशली सिर के दर्द के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।